इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले अहम मौजू, कोरोना के बढ़ते मरीजों पर कैसे नए नए कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है। यकीनन मर्ज अगर है तो इससे बचने की तदाबीर भी इख्तियार करना होगा। पर अब आवाम भी सवाल पूछना चाहती है, अगर मान लो आपको लॉकडाउन नहीं होना है तो आपके यहाँ पर चुनाव जरूरी है। बेलगाम वालों के लिए यह अच्छी बात रही कि कोरोना के मामलों को बढ़ने की खबर तो है, पर कोरोना भी अजीब है कि बहुत भीड़ है तो डर जाता है, पर कुछ ही महदूद लोग हो तो कार्रवाई जरूरी होती है। मास्क ना पहनना या फिर सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं पर पता ही नहीं। बेलगाम लोकसभा चुनाव के लिए 10 दिन का वक्त अभी भी बाकी है। भाजपा हो या कांग्रेस की चुनावी रैलियों भी जोरों पर है। अब कोरोना भी डर गया है कि इतनी सारी भीड़ में जाकर किसे किसे लग जाऊं और किसे किसे पॉजिटिव बनाऊं। जहां चुनाव नहीं है वहां पर कोरोना डबल शिफ्ट में काम करने की भी बात कही जा रही है। अब बेलगाम वालों को फिक्र एक तो रमजान की है, ये भी याद रखिए कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही रमजान से लुत्फानंदोज नहीं होता, बल्कि इसकी रौनक तो हर समाज के लोग लेने के लिए बेलगाम जामिया मस्जिद का रुख करते हैं। तरह तरह के खाने, मिठाइयाँ, कबाब, फिरनी, एक अलग ही नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पिछला रमजान तो पूरा लॉकडाउन में चला गया, कुछ उम्मीदें लगाए बैठे थे, पर हालात अभी तो ठीक है क्योंकि चुनाव जो हमें मिला है वो 17 तारीख को चुनाव होंगे कि उसके बाद 18 तारीख को क्या फैसला होगा, यह अहम। बेलगाम वालों की किस्मत अच्छी थी समझो जो चुनाव मिला, वरना तो महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया और मस्जिदों मंदिरों को बंद भी कर दिया गया। पिछले साल के बाद इस साल फिर इबादत गाहों को बंद करने का फैसला लिया गया। बेलगाम कॉरपोरेशन की जानिब से सख्त इकदाम लिए जाने की खबर भी हासिल हो रही है। गांधी भवन में भाजपा उम्मीदवार के अवामी इजलास में कसीर तादाद में भीड़ जमा होने की बिना पर भाजपा और दिगर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करते हुए 10,000 का जुर्माना कॉरपोरेशन की जानिब से लगाया। वाज़ रहे कि 30 मार्च को उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने के लिए वज़ीर आला येडियुरप्पा, रियासती सदर नवीन कुमार कटील और भी जिम्मेदार कायद बेलगाम में तशरीफ लाए हुए थे। भाजपा के गांधी भवन में इजलास में कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी की खबर कॉरपोरेशन को हो गई, लिहाजा भाजपा इजलास के साथ डीमार्ट पर भी कार्रवाई की इतला हासिल हुई है। लेकिन इन तमाम के बावजूद मुल्क की सतह पर आसाम और बंगाल चुनाव में लाखों की भीड़ पर तबसरे जारी है। वज़ीर आज़म मोदी मन की बात ऐसे करते हैं जैसे कोरोना महामारी पर इन्हें PhD हासिल हो, बहुत बड़े हाकिम और वैद्य की तरह बात करते रहते हैं और इस बीमारी की संजीदगी पर भाषण तो मानो इसकी संजीदगी की इंतहा हो गई है। अभी भी मोबाइल पर कॉलर ट्यून, दवाई और कड़ाई भी सुन सुनकर जहनी बीमार होने का वक्त आ गया। पर हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाखों की भीड़ को जमा कर शक्ति प्रदर्शन यानी कि कुव्वत का मुजाहरा करते रहते हैं, ताकि कितना रुसूख हमने बंगाल हो या आसाम में बना लिया है। जब कार में बैठे शख्स को पुलिस और कॉरपोरेशन चालान काटती है, हेलमेट पहनने वालों को मास्क न लगाने पर चालान काटा जाता है, गाड़ी की चाबियां निकालकर जुर्माना भरने पर मजबूर कर दिया जाता है, क्या कोई पुलिस अफसर या कॉरपोरेशन का कोई जिम्मेदार हुकूमत से सवाल करने की जरूरत करेगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चालान नहीं कटेगा? क्या लाखों की भीड़, जो भूखी नंगी जनता एक दूसरे में घुस कर चिपक कर भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, तब प्रधानमंत्री को कोरोना बीमारी का एहसास नहीं रहता क्या? आखिर यह डबल स्टैंडर्ड कब तक? क्या हर लिहाज से गरीब का ही खून चूसा जाएगा? आखिर इन बड़े लीडरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कहने का मतलब, कोरोना का डर दिखाकर तमाम कारोबार, फैक्ट्रियां, दुकानों को, तिजारतों को बंद कर दिया जाता है, पर इन नेताओं की दुकान का शटर हमेशा खुला रहता है। अब तो महाराष्ट्र में मस्जिदों को बंद करने का हुक्म दिया गया है, मंदिर भी बंद किए जा रहे हैं, पर कभी किसी की हिम्मत नहीं होती कि सियासी लीडरों को और खासकर देश चलाने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सवाल करना गोया देशद्रोह माना जाता है। ऐसे वक्त में आवाम को क्या करना चाहिए? सवाल तो जरूर पीछे जाएंगे, क्या नेताओं के लिए अलग कानून और आवाम के लिए अलग कानून? ऐसा भी सवाल आज आवाम की जानिब से पूछा जा रहा, खासकर मोदी योगी शाह के लिए किसी कानून का कोई पासो लिहाज ही नहीं है। हाल ही में लखनऊ में पुल की इफ्तिताह में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों की भीड़ को इकट्ठा किया, वही उसी दिन शॉपिंग मॉल पर सोशल डिस्टेंसिंग ना होने पर कार्रवाई की गई। कहने का मतलब, खुद करे तो चमत्कार वाला मामला बन जाता, अगर वाकई ये कोरोना पर इतने संजीदा थे तो ऑनलाइन ओपनिंग ही किया करते। पर अपनी मकबूलियत का ढिंडोरा भी तो पीटना होता है, वैसे भी भारत में सवाल पूछना तो जुर्म है, पूरी दुनिया में महज भारत में ही कोरोना का मजाक बना हुआ है जिसके लिए सियासी लीडर ही जिम्मेदार है।
बेलगाम शहर में चुनावी इजलासों का दौर जारी है। 17 तारीख को चुनाव होंगे तो 2 तारीख को नतीजे जाहिर होंगे। कांग्रेस और भाजपा की जानिब से चुनावी मुहिम जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली को जिताने की कोशिश तमाम दिग्गज कांग्रेस कैदों की जानिब से जारी है। लिहाजा इसी के मद्देनजर कांग्रेस अखिलेश मोर्चा अथनी के जिम्मेदार असलम नालबन ने चुनावी रैली में हिस्सा लिया और सतीश अन्ना जारकिहोली को जिताने का ऐलान किया। इस वक्त असलम नालबंद की जानिब से गुलपोशी शालपोशी फरमाई गई। आज सतीश जारकिहोली की जानिब से गोडची कड़कोल उज्जिनकोव तोरनट्टी हलगट्टी मुदेनूर का दौरा किया, जहां पर आवाम की खासी हिमायत हासिल हुई। वही जहां सतीश जारकिहोली रामदूर हलके में अपनी चुनावी मुहिम को अंजाम दे रहे थे, वही भाजपा की उम्मीदवार मोहतरमा मंगला अंगड़ी ने भी सौदत्ती में अवामी इजलासों को खिताब फरमाते हुए भाजपा की जीत को यकीनी करने की गुजारिश की। कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस के लिए तालुकाओं में सरगर्म रहा। बढ़ती धूप की तपिश भी कुछ रुकावट का सबब बनती दिखाई दी। कल बुध 7 अप्रैल को दरगाह हजरत सैयद मीरा शाह वली और सैयदा मुमताज बेगम रहमतुल्लाह अलैह जिनका अस्ताना बस स्टैंड के करीब है, जिनका सदर शरीफ बाद मगरिब मनाया जा रहा है और 8 तारीख को उर्स मनाया जाएगा। बेलगाम शहर के कदीम तरीन आस्थानों में से एक है इसे कहा जाता है, जिनकी तारीख भी काफी पुरानी बताई जाती है। लिहाजा हिंदू मुस्लिम और दिगर मजाहिब के हजरात भी बड़े अकीदत के साथ यहाँ हर साल आते हैं, ऐसा दरगाह कमेटी ने हमें बताया। लिहाजा 7 और 8 को संदल और उर्स शरीफ मनाया जाएगा। इसमें शिरकत की गुजारिश दरगाह हजरत सैयद मीरा शाह वली और सैयदा मुमताज बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बताया गया है। पॉपुलर फ्रंट ब्लड डोनेशन फोरम के लोगों का इजरा बेंगलोर में आज अमल में आया। बेंगलोर पॉपुलर फ्रंट दफ्तर में पॉपुलर फ्रंट ब्लड डोनर्स के नाम से खून के अतिया दहिंदगान के लिए तैयार करदा प्लेटफॉर्म के लिए लोगों को जारी किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।